देखिए, ये थाना हापुड़ देहात पुलिस टीम के द्वारा एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें पुलिस के द्वारा दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इसमें एक अभियुक्त का नाम फखरुद्दीन उर्फ फखरू है, जो कि जनपद मेरठ का रहने वाला है, और दूसरा इसमें केशव त्यागी है, जो कि हापुड़ देहात थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है। इनके द्वारा ये अवैध शस्त्र फैक्ट्री यहाँ पर चलाई जा रही थी, और इनके जो पोजेशन से मिले हैं उसमें टोटल 8 अवैध तमंचे जो बने हुए थे, 6 अध बने तमंचे और अन्य जो अवैध तमंचा बनाने के जो उपकरण हैं वो इनसे बरामद हुए हैं। और इसके जो अन्य साथी हैं उनको भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया है और उनकी भी हम शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। जो ये फखरुद्दीन है, इसके ऊपर पहले भी लगभग 1 दर्जन मुकदमे पहले से दर्ज हैं और ये मेरठ का हिस्ट्री शीट होगी। सर, घरों में कितने दिनों से कार्य चल रहा था? देखिए, जो अभी हमें सूचना मिली थी पिछले 7-8 दिन से इन्होंने ये पूरा फैक्ट्री जो है वो एस्टेब्लिश की थी और यहाँ पे बनाना स्टार्ट किया था, और पुलिस को जो इनपुट मिली थी उसके बेसिस पे ये कार्रवाई की गई। पूछताछ में क्या पता पड़ पाया सर, किन किन जनपदों में सप्लाई करते थे, क्या इनका नेटवर्क था? देखिए, ये आसपास के जनपदों में जैसे कि मेरठ है, हापुड़ है और अन्य जो बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें ये सप्लाई करते हैं, और एक तमंचे का ये लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये लेते हैं। सर, जो फैक्ट्री पकड़ी है वो किराए पे थी या इनकी अपनी खुद की थी? देखिए, ये जो केशव त्यागी जो हैं इनके द्वारा ये स्पेस जो है वो अवेलेबल करवाया गया था, और जो फखरुद्दीन है ये पहले भी, क्योंकि अवैध तमंचा फैक्ट्री में पहले भी ये जेल जा चुका है, इसका और एक अन्य साथी इसके साथ ये यहाँ पे इस फैक्ट्री का संचालन कर रहे हैं। इसमें इसका मालिक कौन है सर? इसमें केशव त्यागी जो मैंने आपको बताया उसके स्पेस में चल रहा है।